हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2024 की जीके जीएस की स्पेशल क्लास को पढ़ने वाली है। आज की क्लास में हम लोग आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाली हैं। अभी तक हम लोगों ने दोस्तों प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो सभी को हम लोगों ने पढ़ा, और आज से हम लोग टॉपिक वाइज अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। आज का फर्स्ट टॉपिक है हमारा आर्ट एंड कल्चर, जिसे हम लोग कला और संस्कृति बोलते हैं। आज हम लोग आर्ट और कल्चर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम हॉल में, उसको कवर करने वाले हैं। आज हमारे सिलेबस की फर्स्ट क्लास है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे आने वाली क्लासों को भी कवर करते चलेंगे। तो आप लोग पूरी क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे आपकी तैयारी जीके जीएस में और भी बेहतर होने वाली है, और आगे आने वाले एग्जाम में आप लोग जीके जीएस में बहुत अच्छा सा रिस्पांस दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ती है और आज का पहला क्वेश्चन देखती है। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पुलिकली भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? पुलिकली इज अ फोक डांस फॉर्म ऑफ विच इंडियन स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन है केरल, या फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, पुलिकली भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मछलीपत्तनम मसूलीपत्तनम भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध बंदरगाह था जो अपने के काम के लिए प्रसिद्ध था। मछलीपत्तनम मसूलीपत्तनम वॉज अ फ्लोरिशिंग पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया फेमस फॉर इट्स वर्क। फर्स्ट ऑप्शन है कलमकारी, सेकेंड ऑप्शन है पटोला, थर्ड ऑप्शन है मिट्टी के बर्तन, फोर्थ ऑप्शन है जरी। बताइएगा दोस्तों, मछलीपत्तनम और मसूलीपत्तनम भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध बंदरगाह था जो अपने किस काम के लिए प्रसिद्ध था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कलमकारी के लिए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के नजरिए से। दोस्तों चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, रामचरितमानस का कौन सा खंड अध्याय सबसे छोटा है? विच खंड या चैप्टर ऑफ रामचरितमानस इज द शॉर्टेस्ट? फर्स्ट ऑप्शन है अरंडकांड, सेकेंड ऑप्शन है किष्किंधा कांड, थर्ड ऑप्शन है सुंदर कांड, फोर्थ ऑप्शन है लंका कांड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, रामचरितमानस का कौन सा खंड सबसे छोटा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, किष्किंधा कांड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, बिहार के मिथिला की संगीत परंपरा के प्रामाणिक इतिहास के मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सी हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन सोर्सेस ऑफ ऑथेंटिक हिस्ट्री ऑफ द म्यूजिकल ट्रेडिशन ऑफ मिथिला ऑफ बिहार? फर्स्ट ऑप्शन है राजतरंगिनी, सेकेंड ऑप्शन है संगीत नाटिका, थर्ड ऑप्शन है मान कौतूहल, फोर्थ ऑप्शन है मेला आंचल। बताइएगा दोस्तों, बिहार के मिथिला की संगीत परंपरा के प्रामाणिक इतिहास के मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से कौन सी हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, संगीत नाटिका। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सामा चकेवा लोक पर्व बिहार के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? इन विच रीजन इज द सामा चकेवा लोक पर्व सेलिब्रेटेड मेनली इन बिहार? फर्स्ट ऑप्शन है भोजपुर, सेकेंड ऑप्शन है मगध, थर्ड ऑप्शन है मिथिला, फोर्थ ऑप्शन है पटना। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, सामा चकेवा लोक पर्व बिहार के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मिथिला में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? वेयर इज द शेरशाह टॉम लोकेटेड? फर्स्ट ऑप्शन है सासाराम में, सेकेंड ऑप्शन है मनेर में, थर्ड ऑप्शन है सीतामढ़ी में, फोर्थ ऑप्शन है पावापुरी में। बताइएगा दोस्तों, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सासाराम में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ बिहार? फर्स्ट ऑप्शन है छठ, सेकेंड ऑप्शन है सरहुल, थर्ड ऑप्शन है जितिया, फोर्थ ऑप्शन है तीज। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, छठ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, बिहार के मिथिला की संगीत परंपरा का प्रामाणिक इतिहास के मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? विच ऑफ दी फॉलोइंग आर दी मेन सोर्सेस ऑफ ऑथेंटिक हिस्ट्री ऑफ दी म्यूजिकल ट्रेडिशन ऑफ मिथिला ऑफ बिहार? फर्स्ट ऑप्शन है रास तरंगिनी, सेकेंड ऑप्शन है संगीत नाटिका, थर्ड ऑप्शन है मान कौतूहल, फोर्थ ऑप्शन है मेला आंचल। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों, अभी हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, संगीत नाटिका। चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सामा चकेवा लोक पर्व बिहार के मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? इन विच रीजन इज द सामा चकेवा लोक पर्व सेलिब्रेटेड मेनली इन बिहार? फर्स्ट ऑप्शन है भोजपुर, सेकेंड ऑप्शन है मगध, थर्ड ऑप्शन है मिथिला, फोर्थ ऑप्शन है पटना। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मिथिला। चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध नव कलेवर उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंध है? द फेमस नव कलेवर फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकेंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। बताइएगा दोस्तों, प्रसिद्ध नव कलेवर उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंध है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अंगामी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? अंगामी लैंग्वेज इज स्पोकिंग इन विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, सेकेंड ऑप्शन है नागालैंड में, थर्ड ऑप्शन है लद्दाख में, फोर्थ ऑप्शन है मिजोरम में। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, अंगामी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, सिंधु दर्शन उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य का त्योहार है? फेस्टिवल इज मेनली अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, थर्ड ऑप्शन है लद्दाख या फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। बताइएगा दोस्तों, सिंधु दर्शन उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य का त्योहार है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख का। चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्राचीन सेंट थॉमस चर्च कहाँ स्थित है? वेयर इज एंशियंट सेंट थॉमस चर्च लोकेटेड? फर्स्ट ऑप्शन है गोवा में, सेकेंड ऑप्शन है महाराष्ट्र में, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु में, फोर्थ ऑप्शन है केरल में। बताइएगा फ्रेंड्स, प्राचीन सेंट थॉमस चर्च कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, केरल में। चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, वेयर इज द फोक डांस ऑफ अरुणाचल प्रदेश? फर्स्ट ऑप्शन है बिहू नृत्य, सेकेंड ऑप्शन है मयूर नृत्य, थर्ड ऑप्शन है गीदर नृत्य, फोर्थ ऑप्शन है घूमर नृत्य। बताइएगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मयूर नृत्य। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती है और आज का लास्ट क्वेश्चन देखती हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राग नहीं है? विथ रेफरेंस टू इंडियन म्यूजिक, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट आ राग? फर्स्ट ऑप्शन है पूर्वी, सेकंड ऑप्शन है श्रृंगार, थर्ड ऑप्शन है हिंडोल, फोर्थ ऑप्शन है भैरवी। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो, तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।